यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपकी पास्टर रेखा। मेरा विश्वास है कि आप मेरे प्रभु के हाथों में सुरक्षित हैं। जितने भाई बहन हमें देख रहे हैं सब आप प्रभु के हाथों में, और मेरे परमेश्वर ने आपको दिन भर संभाला हुआ है, और आज की शाम और आने वाली रात भी आप मेरे प्रभु के हाथों में रहोगे, क्योंकि आप मेरे प्रभु की प्यारे जनों, प्यारी प्रजाओ, और मेरा प्रभु आपसे बहुत मोहब्बत करता है। हालेलुया। तो आज का वचन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही पावरफुल वचन है, और इस वचन के द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रभु के प्यार के बारे में पता चलता है, और प्रभु की आज्ञा, दृढ़ आज्ञा के बारे में भी पता चलता है। तो आइए फिर हम आज का वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमें क्या कहता है। तो वचन हम निकालेंगे प्रकाशीय वाक्य। आपको पता है ये प्रकाशीय वाक्य की पुस्तक जो हमारे आने वाले समय के बारे में बताती है, बहुत ही पावरफुल ये पुस्तक है, ग्रंथ है। अगर आप इसे पढ़ लेते हो, सिंपली आप पढ़ ही लेते हो, तो आप प्रकाश पाते हो, प्रभु का उजाला पाते हो, रोशनी पाते हो। तो प्रकाशीय वाक्य पुस्तक को जरूर पढ़ना, प्रभु आपके जीवन में प्रकाश दे। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे उसकी तीन को ही पढ़ेंगे, तीन बाप को 19 को पढ़ेंगे। तो वहां लिखा, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उनको डांटता और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, देख द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ, जो जय पाए उसी में अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। सब बोले हालेलुया। प्रभु का बहुत ही प्यारा वचन है, और बहुत सारी बातें हमें प्रभु की इस वचन में हमें पता चलती है। प्रभु जी कहते हैं, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको डांटता और ताड़ता हूँ। मैं जिसको प्रेम करता हूँ, मतलब हमें प्रभु जी बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु कहता है उन्हें डांटता और ताड़ता हूँ। कभी कभार हमारे घर में हालात ऐसे हो जाते हैं, ऐसी मुश्किलें हमारे जीवन में आती है, हमें लगता है कि प्रभु हमारे से बहुत दूर है, जो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, क्या प्रभु को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जैसे इसराइली कहते थे, क्या प्रभु को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, हम इतने मिस्र में तंग बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, प्रभु तू कहाँ है, हमें उत्तर तो दे। हमें ऐसे लोग करते हैं क्योंकि हम शरीर में हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो शरीर में हैं, तो ऐसी बातें बोलते हैं। जब हम ऐसी बातें बोलते हैं तो प्रभु क्या कहता है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको डांटता और ताड़ता हूँ। प्रभु कहता है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो डांटता हूँ, ताड़ता भी हूँ। अभी पिछले दिनों कुछ ऐसी बात हो रही है हमारे चर्च के रिलेटेड, तो कुछ लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा डांटना नहीं चाहिए था, ऐसा ताड़ना नहीं चाहिए था। तो प्रभु का वचन कहता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसमें डांटता हूँ ताड़ता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, प्रभु कहता है इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, मैं ताड़ता तुझको इसके लिए हूँ, डांटता इसके लिए हूँ कि तू सरगर्म हो जा, आत्मा में गर्म हो, कि प्रभु मुझे डांट रहा है, झिड़क रहा है, तो मुझे क्या होना है, गर्म होना है और मन फिराना है। मन किसे फिराना, वही पुरानी बातों से, जिससे हम कह रहे हैं कि प्रभु तू कहाँ है, हमारी सुन नहीं रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं अविश्वास आ गया, अविश्वास आ गया कि प्रभु हमें छुड़ा क्यों नहीं रहा, तू है तो हमें छुड़ा क्यों नहीं, मतलब हमारे विश्वास में क्या आ गई, घटी आ गई, हम छक करने लगे प्रभु के ऊपर। और प्रभु हमें कहता है इसलिए सगर्म और मन फिरा, प्रभु कहता है मैं इसलिए तुझे डांटता हूँ, झिड़कता हूँ कि तू सगर्म हो जाए आत्मा में और अपना मन फिरा ले। तो अपना मन फिरा ले, आगे पढ़ेंगे, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि तू सरगर्म हो जाएगा, मन को फिरा लेगा, तो मैं तो तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, तो खोल तो सही, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ और मैं तेरे भीतर आऊंगा, तेरे साथ खाऊंगा, तू मेरे साथ भोजन खाएगा, मैं तेरे साथ भोजन खाऊंगा। हालेलुया। इतनी महानता हमारे परमेश्वर की है। तो प्रिय भाई बहनों, गुस्सा मत कीजिए, अगर कोई आपको कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो गुस्सा मत कीजिए, अपने प्रभु पर भरोसा रखिए। मेरा प्रभु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वो अपने समय पे आके सब कुछ कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। और जो हालात आपको लग रहे हैं इस वक्त बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, आपके घर में नशे करने वाले लोग हैं, आपकी सास अच्छी नहीं है, या कोई भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप शांत हो जाइए, बस आपको शांत होना है और सिर्फ खुदा की ओर देखना है। खुदा तू ही करने वाला है, तू ही करेगा, मेरा भरोसा तुझ पर ही है। आगे वचन में पढ़ते हैं,
जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। हालेलुया, कितनी बड़ी बात प्रभु ने यहाँ कही कि कोई जय पाए। जय मतलब इसका मतलब हम एक लड़ाई में हैं, हम एक युद्ध में हैं। हमारा ना तो युद्ध किसी इंसान के साथ है, बल्कि शैतान के ताकतों के साथ हमारा युद्ध है, जो हमारे घर परिवारों के अंदर में जाके उनके हमारे जो घर के मेंबर है उनके घर में जाके उन्हें परेशान करते हैं, उसके द्वारा हमारे से वो लड़ाई करता है, वो एक माध्यम ढूंढता है लड़ाई करने का। तो वो फैमिली में क्या कराता है, युद्ध कराता है। पर आपको उस इंसान से नहीं लड़ना है, आपको उसके अंदर जो शैतान है उससे लड़ाई करनी है। वो कैसे? प्रार्थना के द्वारा आपने जय पानी है, प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा आपने जय पानी है। जब आप जय पा जाएंगे अपने साथ अपने सिंहासन पर, प्रभु कहता मैं अपने साथ आपको सिंहासन पर बैठा लूंगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे मैं अपने पिता के पास मैं जय पाकर, कितने जय प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाए, कितनी शर्मिंदगी शरी, ये जय पाई है प्रभु ने, शैतान को हराया है क्रूस पर प्रभु ने, और जय पाकर वो आज पिता के पास सिंहासन में बैठा हुआ है। हम भी जा पाएंगे, अगर हम जय पा सके तो हम भी वहां स्वर्ग में होंगे। अगर हम इन ताकतों से लड़ सके तो हम जरूर जय पा के प्रभु के पास होंगे। तो हमें जय ही पानी है, हमें हारना नहीं है, हमें बढ़ना ही है। चाहे हालात ऐसे कुछ भी लग रहे हैं आपको, कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, तो डोंट वरी, जो प्रभु के वचन ने कह दिया कि तुम जय पा जाओ तो मेरे साथ स्वर्ग में बैठोगे, तो क्यों ना अब जय पाएं। आत्मा में सरगर्म रहे, आत्मा में सरगर्म रहना, आत्मा से प्रभु में बने रहना, फास्टिंग करनी और बस विश्वास में बने रहना। आज नहीं तो कल प्रभु आपके बंद रस्तों को खोलेगा, क्योंकि वो सबके खोलता है, वो आपको भी खोलेगा। हालेलुया, आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महान सामर्थ्य पिता, जैसे कि आपके वचन में लिखा खुदा विश्वाजा, आपके वचन में लिखा खुदा विश्वाजा प्रकाश वाक्य में कि जय पाकर जैसे मैं अपने पिता के सिंहासन पे बैठा हूँ तुम भी बैठने पाओगे, मैं जैसे प्रभु के साथ अपने पिता के साथ भोजन करता तुम भी कर पाओगे। अगर आप जय पाओगे, आप इन शैतानी ताकतों को हरा पाओगे, तो पिता हमें वो ताकत दे, हम बल दे, हम मन फिरा सके प्रभु जी, और आत्मा में सरगर्म रह सके पिता पर, बुराई से दूर रह सके प्रभु जी। हमें ऐसी ताकत दो, ऐसा बल दो, ऐसी सामर्थ दो पिता कि हम शैतान को हरा सके पिता यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आज का वचन हमें तेरा बल देगा, ताकत देगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे सुन रहे प्रभु, आज रात की शाम की प्रार्थना मेरे साथ साथ है, एक मन एक चित्त है प्रभु, आज खुदावन तू हमारे बीच में आ चुका है, हमें छुड़ाने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हमें फ्री करने के लिए, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए पिता परमेश्वर। और हमें एक नया बल प्रभु दे, तू दे चुका है जो जय पाने के लिए पिता परमेश्वर, वो ताकत वो हथियार हमारे हाथों में आ चुके हैं जिससे हम जय पाएंगे पिता। अपने आप को प्रभु पूरी तरह तेरे आगे समर्पित करते हुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उस बहन के लिए पिता परमेश्वर जो तरह तरह की वीडियो बना रही है खुदावन तेरे दास दासी के खिलाफ पिताजी, तूने कहा दोष ना लगाओ, ऐसा ना तुझ पर भी दोष लगाया जाए पिताजी। उस बहन के ऊपर प्रभु जी अनुग्रह करना, उन्हें शांति देना, जो भी उसके मसले घर के प्रभु जी उन्हें प्रभु जी देखना खुदा विश्वजी, उसके परिवार को देखना पिता, उसके बच्चों को देखना पिता, जितनी जरूरत है उसकी पूरी करना, उसके मन में प्रभु तेरी शांति तेरा आनंद आ जाए पिता। जितना जोर प्रभु जी वो शैतान के कार्यों में लगी हुई करने के लिए, उतना जोर प्रभु वो तेरे कामों में लगाए पिता परमेश्वर यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम है पिताजी। मेरा विश्वास है कि आप मैंने मेरी प्रार्थना सुन ली है खुदावन ईश्वाजा। अब मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग सिर झुकाए हुए अपने रोगों के साथ, बीमारियों के साथ, चिंताओं बोझ के साथ खड़े, तो प्रभु के वचन में लिखा इस बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा, शांति दूंगा। ये सब बोझ के दबे हुए लोगों मेरे परमेश्वर के पास आए हो, उसके पास जो शांति का राजकुमार है, जो सेनों को यहोवा है, जो यहोवा यरी है, सब कुछ मुहैया करवाता है, वो जो वैद्यों का वैद्य है डॉक्टर जीसस क्राइस्ट है, आप उसके पास आए हो। आज सेम नहीं आप रहोगे, आज सेम नहीं रहोगे यीशु के सामर्थ्य में, आपकी बीमारी जाएंगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य में, आपके रोग जाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य में, आपके अंदर हीलिंग और डिलीवरी का आत्मा उतरेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप ब्लेसिंग को पाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य में। सब रोग आपको छोड़ के जा चुके, बीमारियां आपको छोड़ के जा चुके, लाचारियां आपको छोड़ के जा चुके प्रभु यीशु के सामर्थ्य में, आप ब्लेस है। कर्ज आपको छोड़ के जा चुके, गरीबी आपको छोड़ के जा चुकी है, दुष्ट आत्मा मेरी बहनों मेरे भाइयों आपको छोड़ के जा चुके प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप आजाद हो, आप फ्री हो, आप प्रभु की प्यारी प्रजा हो, आप प्रभु के आशीष जन हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया खुदावन, और हमने जो मांगा प्रभु जी आपने मेरे भाई बहनों को दे दिया खुदावन ईश्वर। प्रभु जी हमने जो मांगा खुदा आपने सब मेरे भाई बहनों को दे दिया खुदा, आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम जलाल पाए, मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन, आमीन। आप सब ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में,
और समा थोड़ा होने के कारण प्रिय भाई बहनों मैं प्रेयर लंबी नहीं आपके लिए कर पाती हूँ। जब मैं लाइव होती हूँ संडे हम लाइव करते हैं 11 बजे आप जरूर आए, तब हम लाइव बड़ी मतलब मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में आप जरूर शामिल होइए, अपनी हीलिंग और डिलीवरिंग्स को प्राप्त करिए, क्योंकि यहाँ मैं खुल के प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ। समा थोड़ा सिर्फ 10 मिनट से कम वीडियो मुझे बनानी होती है, इसलिए प्रिय भाई बहनों आप लाइव में जरूर शामिल होइए। प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि आप छूटे, वो चाहता है कि आप कर्जों में ना रहे। सबको जैन सी।